जीवन रेखा। नमस्कार, मैं रश्मि चंद्र आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जीवन रेखा में। आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाले एनीमिया एंड प्रेगनेंसी के बारे में, और इन सब पर तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीलम झा। तो चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर नीलम झा से। डॉक्टर झा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जीवन रेखा में। डॉक्टर साहब, आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला किन किन समस्याओं को लेकर आपके पास आती हैं? प्रेगनेंसी के दौरान हमारे पास महिलाएँ बहुत तरह की समस्याएँ लेके आती हैं, जैसे कमजोरी होना, सवेरे मॉर्निंग सिकनेस होना और चिड़चिड़ापन, ये सब आम समस्याएं लेके महिलाएं हमारे पास आती हैं। ये एनीमिया के बारे में हम बात करेंगे, जैसे आज का चर्चा हमारा एनीमिया इन प्रेगनेंसी है, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि एनीमिया इन प्रेगनेंसी है क्या? ये हमारे देश में आम समस्या है। इसमें देखा गया है कि महिलाओं में खून की कमी हो जाती है और उनका हीमोग्लोबिन का स्तर 10 ग्राम प्रति लीटर से कम हो जाता है, तब हम इसे एनीमिया कहते हैं। तो इससे बचने के लिए कैसे बच बचाव किया जाए? इससे बचने के लिए विशेष रूप से महिलाओं को मैं कहूँगी कि ये खाने पर विशेष ध्यान दें, बैलेंस डाइट लें एवं आयरन और फॉलिक एसिड हमेशा का व्यवहार करें और समय समय पर महिला चिकित्सक से मिलते रहे। प्रेग्नेंट वीमेन को क्या डाइट लेना चाहिए जिससे वो स्वस्थ रहें? वो प्रोटीन रिच डाइट होना चाहिए, है ना, और दूध का ज़रूर सेवन करें, यानी कैल्शियम, हाँ कैल्शियम होना चाहिए, हरी पत्तियाँ सब्जियाँ ले लें और मीठा में जैसे गुड़ वगैरह है ये सब का अधिक सेवन करेंगी तो उन्हें एनीमिया से बचा जा सकता है। मैम, अगर हम एनीमिया की बात करें तो देखा जाए तो ज़्यादातर महिलाएं एनीमिया से परेशान होती हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि हर वर्ग की महिलाएं इससे ग्रसित हैं। जो निम्न वर्ग की हैं वो तो सही खाने के कमी के कारण ये परेशानी उनको है, क्योंकि बैलेंस डाइट उनको नहीं मिल पाता है। जो मध्य वर्ग की महिलाएं हैं वो खाने पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, अपनी काम काज में इतनी व्यस्त रहती हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि क्या सही हमारे लिए है क्या गलत है। जो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं वो अपने फिगर के लिए इतनी कॉन्शियस होती हैं कि वो डाइटिंग और ये जंक फूड के इतनी प्रेमी होती हैं कि अपने एनीमिया का की पेशेंट वो बन जाती हैं। यही सब कारण है। और तो इसका इलाज क्या है ताकि एनीमिया से बचा जा सके? एनीमिया के इलाज के लिए तो सबसे पहला कदम है कि पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम एनीमिया से ग्रसित हैं कि नहीं जी। तो आप डॉक्टर के पास जाएं, वहां अपना जांच करवाएं कि आपका हीमोग्लोबिन स्तर कितना है। अगर 10 ग्राम प्रति लीटर से कम है तो आप एनीमिया से ग्रसित हैं जी। ये किसी एज में हो सकता है एनीमिया, और इसके लिए विशेष ध्यान कि आप खाना पहले सुधार करें, पहले आप जानें कि क्या सही कारण है आपके एनीमिया का। जैसे कि पहला कारण है कि लोग खाना सही नहीं लेते हैं, दूसरा कारण कि बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है, जैसे आजकल ई कोलाई इन्फेक्शन बहुत कॉमन पाया गया है महिलाओं में, तो उस इन्फेक्शन को दूर कराएं। तीसरे कारण है कि आपके पेट में कोई वॉर्म वगैरह इन्फेक्शन तो नहीं है। चौथी कारण है जो आपके बोन मैरो में कोई बीमारी तो नहीं है, ये सब आप पहले आप जाने और फिर इसका इलाज है ना धीरे धीरे। जैसे कि मैं बता रही, सबका एक अपना पर्टिकुलर इलाज होगा एनीमिया के दौरान? हाँ नहीं, अगर आप में जिस कारण से एनीमिया है उसके आप इलाज करवाएं जी। आयरन फॉलिक एसिड तो लेना एक जनरल बात है कि आपको एनीमिया आप ले लें, लेकिन उसका सही जानकारी आपको ले लें कि आपको किस कारण से एनीमिया है। उसका इलाज अलग होगा, हाँ हर का अलग, हाँ हर का अलग अलग कारण पहले आप जाने तब आप इलाज करवाएं और सही सही आप जानकारी ले डॉक्टर से। तो खाने पीने में यानी कि देखा जाए तो प्रॉपर डाइट लेना चाहिए ताकि खून की कमी ना, हाँ खून की कमी ना हो, इसके लिए आप सही डाइट ले। अगर प्रेग्नेंट वीमेन की बात करें तो उन्हें किस तरीके से केयर करना चाहिए अपना और अपने बच्चे का?
प्रेगनेंसी में तो मुख्य कारण आजकल खाना ही डाइट ही की प्रॉब्लम है, जैसे बैलेंस डाइट नहीं ले पा रही है महिला, कारण जो हो, या तो गरीबी है, चाहे उनकी जानकारी की कमी है। तो और आजकल सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है, जगह जगह देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, चाहे हेल्थ सेंटर में फॉलिक एसिड आयरन की गोलियां मिल रही हैं, और तो और आंगनवाड़ी की महिला भी देखते हैं घर घर जाके दे रही हैं, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं महिलाएं। मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने बच्चों, ये आपके बच्चों के लिए अच्छा है। मैम जैसे कि आपने कहा कि जो औरतें बाहर काम करती वो खाने पर ध्यान नहीं देती, हाँ, तो वैसी औरतें जो कि प्रेग्नेंट हो तो वो लोग ज़्यादातर कोशिश करती है विटामिन के टैबलेट्स खाना, तो क्या उस समय में विटामिन के टैबलेट्स खाना सही होंगे? हाँ, विटामिन की टैबलेट लेना तो सही है ही, साथ में अपने खाने पर भी ध्यान दे, है ना, हरी सब्जियाँ हैं, जैसे फल हैं, ताजे ये हैं फल, दूध हैं, ये सब लिया करें तो उनके एनीमिया दूर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब आपसे हमारा कन्वर्सेशन जारी रहेगा, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी एनीमिया पे चर्चा जारी रहेगा, स्टे ट्यून्ड। लाइक एंड सब्सक्राइब।